देश के कुछ राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर डरावनी रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। और बड़ी बात यह है, कोरोना के मामलों में आई तेजी के बाद पाबंदियों की शुरुआत भी हो गई है। कौन कौन से राज्यों में पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, देश में कोरोना ने बड़ी छलांग लगाई है और तीसरी लहर के बाद एक बार फिर कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा हुआ है। और देश में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने भी लोगों को घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले एक सप्ताह में देश में कोरोना ने बड़ी छलांग लगाई है। नए केसों की बढ़ोतरी के चलते पिछले एक महीने में एक्टिव केसों की भी संख्या 7.5 गुना बढ़ी है। देखिए, देश में मार्च में एक्टिव मरीजों की संख्या 2686 थी, वहीं सोमवार को यह संख्या बढ़कर 21179 हो गई है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन तक जारी कर दी है। सोमवार को वहां के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है, अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करना होगा। और जहां भी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ है, शादी बारात या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम, उन्हें मास्क पहनना जरूरी होगा और इस आशय का निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और हरियाणा सरकार का कहना है कि हमने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। और आपको बता दूं, इससे पहले 1 अप्रैल से तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 1 अप्रैल से अस्पतालों में सभी रोगियों, भर्ती मरीजों, आगंतुकों, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। हालांकि राहत की बात यह भी है, भले ही एकाएक देश में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकांश मरीजों में इस बीमारी के लक्षण काफी हल्के हैं। अधिकांश रोगी समय पर ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक बार फिर सावधान रहने की आवश्यकता है।